हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नई दमदार वीडियो में। आई एम सुजीत कुमार, नाइट प्लेयर। जो भी समस्या सब पिता से बताएंगे, ठीक है। पिता से छुपाना नहीं है, पिता से अपने दुखों को शेयर करना है, ठीक है। पिता से हमें छुपाना नहीं है, प्रभु हमारा महान है, दयालु है, वो करना निधि है, राज्यों का राजा हमारा पिता, ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है तुम आज्ञा होकर मेरी मानो तो सही, ठीक है। हमें पिता की आज्ञाओं को मानना है और जो मांगेंगे वो हमें हमारा पिता देगा। प्रभु अपने बेटे बेटियों को उदास नहीं होने नहीं देता है। पिता की आज्ञाओं को आप मानो और पिता आपकी मानेगा, मेरे प्रियो, ठीक है। परमेश्वर तो आपसे सुलह करना चाहता है, वाद विवाद करना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कब, मगर कब उजले और श्वेत होंगे? यीशु मसीह ने कहा है यदि आज्ञा होकर मेरी मानो तो सही। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, पिता हमारे अधर्मों को, गुनाहों को ढांप देगा, हिम की नाई श्वेत कर देगा, उजला कर देगा, दूध की तरह व्हाइट कर देगा हमारा पिता, ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं, समय कम है, अपने आप को तैयार कर लो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको उससे क्या लाभ होगा। प्राण बचना जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यदि हमारे पास दान है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला, अच्छा सब कुछ है, अच्छा सब कुछ है, यदि मैं मरकर नर्क में ही चला जाऊं, अपनी आत्मा को नाश कर दूं, तो धन दौलत और पैसा और आराम और शांति किस काम का, वो पैसा किस काम की मेरे प्रिय भाई और बहनों। यदि मैं मरकर नर्क में ही चले जाएं मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन बुरे हैं। यीशु मसीह बार बार ये चेतावनी देकर गए थे अपने चेलों से, सावधान रहना, कोई तुम्हें न भरमा नहीं पाए। यीशु मसीह ने कहा तुम तैयार रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। वह घड़ी दोपहर की भी, रात की भी, शाम की भी हो सकती है, पिता ने कहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है उस रात दो मनुष्य खाट पर सोते होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दिन में दो मनुष्य खेत में काम कर रहे होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसते होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। जो समस्या में मजबूत नहीं होगी, जो तैयारी नहीं बना कर रखी होगी, वो छोड़ दी जाएगी। जो तैयार होगी, जो पवित्र होगी, जो निष्कलंक होंगी, जो तैयारी बना के रखी होंगी, वो उठा ली जाएगी समस्या के साथ। आइए अपने सरों को झुकाइए, घुटने टेक कर बैठ जाइए। पिता आपको आशीष दे, हम प्रार्थना को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आंख बंद करें और लास्ट में मिलकर रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राज्यों के राजा हैं, आप के प्रभु। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने हम सबों को मेरे पिता ज्योतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल कर रखा है यीशु राजा, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। यीशु पापा, मेरे प्रभु, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो बिना वचन ही के मर गए होंगे, उद्धार ही के बिना मर गए होंगे प्रभु, और वे एक ऐसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते मेरे पिता। मेरे प्रभु, वो एक ऐसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे प्रभु। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सबों को मेरे पिता ज्योतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है मेरे पिता, संभाल के रखा है मेरे पिता, सुरक्षित रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु पापा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता आपने हम सबों से प्रेम किया है, आपका प्रेम बहुत बड़ा है मेरे पिता, मनुष्य का प्रेम कुछ नहीं आपके सामने मेरे पिता। आपने हम सभी से इतना प्रेम किया कि पिता अपना कीमती रक्त बहा दिया, लहू बहा दिया मेरे प्रभु। आपने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सही, दुख सहा, दर्द सहा, तकलीफ सही मेरे पिता, इतना दुख सहा मेरे पिता आपने मेरे प्रभु। हमारे पापों का बोझ, मानव जाति के पापों का, गुनाहों का बोझ मेरे पिता आप अपने पर ले लिए और क्रूस पर चढ़ गए और खुद बलिदान हो गए मेरे प्रभु, मेरे पिता, और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो आपने अनंत काल का जीवन देने का वायदा किया मेरे प्रभु, अजर मिराज का जो कभी नाश नहीं होता है मेरे प्रभु। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो बीमार हैं मेरे पिता, वे तमाम इलाज करा चुके हैं मसीह भाई बहन मेरे पिता, फिर भी वे नहीं ठीक होते मेरे पिता, वे टूट चुके हैं अपनी बीमारियों को लेकर मेरे प्रभु। मेरे पिता जिनके पथरियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं,
पीलिया है, डेंगू है, ब्लड कैंसर है, कुछ भी नाना प्रकार की बीमारियां है, शुगर है, कुछ भी बीमारियां मेरे प्रभु, अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, घातक जानलेवा बीमारियां मेरे प्रभु, मेरे पिता वे नहीं ठीक हो रही मेरे प्रभु, हम चाहते हैं मेरे पिता आपके नाम से मेरे पिता वे चंगे हो जाएं, वे हील हो जाएं, वे रिलीज हो जाए इस मसीह आपके नाम से मेरे पिता। किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि वे अपना इलाज करा सके हॉस्पिटलों में मेरे प्रभु, मेरे पिता आप उन्हें छुए मेरे प्रभु, आप उन्हें चंगाई दें मेरे पिता, वे हील हो जाएं, वे चंगे हो जाएं पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं उन्हें ठीक करें, आप उन्हें सहायता प्रदान करें मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा मेरे प्रभु। मेरे पिता हम आपके नाम से मांगते हैं यीशु पापा, आपके नाम से पुकारते हैं प्रभु, मेरे पिता आप उन्हें छुएं मेरे पिता, और पिता आप उन्हें ठीक करें मेरे प्रभु, आपकी तेजो में सामर्थ मेरे प्रभु हर एक जनों को छू ले, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, होने दे मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं मेरे पिता, और विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता, पिता कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा मेरे प्रभु, और आमीन बोलकर शिव कर रहे हैं लास्ट में मेरे प्रभु। जो गरीब है मेरे पिता, जो लाचार है मेरे पिता, उनकी गरीबी को दूर करें मेरे प्रभु, मेरे पिता ये 100-200 रुपए पर पिता धदर हाथ ना फैलाने पाए मेरे प्रभु, मेरे पिता ये अपनी बेइज्जती पर हाथों से ना करने पाए मेरे पापा, आप इन्हें छुए मेरे पिता, आप इनके तंगी परेशानी को दूर करें मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, यश हालेलुया। प्रभु आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते, खटखटाते हैं तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु, मेरे पिता के घरों के ऊपर ऐसे से उमडेल दीजिए मेरे प्रभु, बरकते उमडेल दीजिए मेरे प्रभु, तंगी परेशानी दूर हो जाए मेरे प्रभु, मेरे पिता इनके हाथ मांगने वाले नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे प्रभु, इनके हाथ देने वाले बना दीजिए यीशु पापा मेरे प्रभु, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बन सके, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, होने दे यीशु पापा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता, पिता जिन बहनों के बच्चे नहीं होते मेरे पिता, उन बहनों को बच्चे दीजिए मेरे स्वामी, मेरे पिता वे टूट चुकी हैं, वे बिखर चुकी हैं इस समस्या को लेकर मेरे प्रभु, मेरे पिता वे सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु जो भी उनके शरीर में दिक्कत है, रसौलियाँ, कुछ भी समस्याएँ हैं मेरे प्रभु उनके अंदर पिता, हम नहीं जानते प्रभु, हम तो मानव जाति हैं पिता, हृदय मन को जांचने का अधिकार है यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे पिता, मेरे प्रभु आप इन्हें छुए मेरे पिता, और इन्हें बच्चे दीजिए मेरे स्वामी आपके सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। जैसा प्रभु आपने सारा को बच्चे दिए थे प्रभु इतनी उम्र में मेरे पिता, उसी प्रकार से पिता इन बहनों को दीजिए मेरे पिता प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे स्वामी आपके नाम से मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए आपके नाम से, बंद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए मेरे प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कोढ़िये पाइजों को शुद्ध किया है मेरे प्रभु, मेरे पिता उसी अधिकार के द्वारा मेरे पिता इन मसीह भाई बहनों के जीवन में चमत्कार करें, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मांगते हैं, इनके जीवन में बदलाव आने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं मेरे प्रभु, पिता जो रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं, ख्याल विचार आता है मेरे प्रभु, मेरे पिता आपके नाम से मेरे पिता वे गंदे सपने जल कर जल जाएं मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे प्रभु, आपने वचन में कहा है, इस वचन के द्वारा मेरे पिता हर एक जन की सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, रक्षा करें मेरे प्रभु। मुझे आशा है विश्वास से अपने प्राणों को सुना है पिता, ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।